हेलो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ रेड हैरी के इन मैनेजमेंट फर्स्ट वी विल डिस्कस द कल्चर कंट्रोल सो व्हाट इज़ द कल्चर कंट्रोल कल्चरल कल्चर कंट्रोल इज द यूज ऑफ प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉलोड बाय द फार्मर्स टू मैनिपुलेट द पेस्ट पॉपुलेशन मीन्स जो फार्मर्स के द्वारा प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स के अंदर तो माइनर चेंजेस करते हैं जिससे कि ये बेनिफिशियल होती है यूजफुल होती है एज एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज पेस्ट मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू तो इसके अंदर अपना फर्स्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस है डीप समर फ्लोइंग डीप समर फ्लोइंग एज यू नो द व्हाट इज एज यू नो दैट रेड हेड का प्युपरेशन कहाँ होता है सोइल के अंदर तो हमें क्या करना है डी समर फ्लोइंग करनी है डूरिंग दी समर सीजन के अंदर जिससे कि क्या है कि प्यूपा एक्सपोज हो जाएगा और यहाँ पर ये यानी कि जो नेचुरल प्रेडेशन है जो बर्ड्स हैं वो इस पर फीड कर लेंगे जिससे ये पेस्ट पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाए हो जाएगी इसके बाद में है अर्ली सोइंग अर्ली सोइंग इज आल्सो ए कल्चरल प्रैक्टिस जिससे कि क्या है कि पेस्ट पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाएगी जैसे आपको पता है कि एडल्ट मौथ हैं जो कि इमर्ज होते हैं आफ्टर द हैवी रेनफॉल और इसका जो जो लारवी है वो यंगर लारवी है वो किस पर फीड करती है वन मंथ ओल्ड क्रॉप के ऊपर अब यानि कि अर्ली अर्ली क्रॉपिंग अर्ली सोइंग करेंगे अपन क्रॉप की जिससे कि क्या है कि लार्वी है वो इजीली फीड नहीं कर पाएगी डैमेज नहीं कर पाएगी अपने क्रॉप को सो इट इज़ आल्सो एक यूजफुल कंट्रोल कल्चरल कंट्रोल प्रैक्टिस क्रॉपिंग इंटर क्रॉपिंग में क्या है कि अपन एक रोल लगाएंगे कैस्टर की बिटवीन आफ्टर फाइव टू सिक्स रोज ऑफ ग्राउंडनट तो ग्राउंडनट की पाँच और छः uh, रोज है ग्राउंडनट की उसके बाद में एक रोल लगाएंगे अपन कैस्टर की इसके बाद में क्रॉप रोटेशन क्रॉप रोटेशन में अपने यूज़ करते हैं सोरगम पर्ल सोरगम पर्लमिलेट और मेज को जिससे कि इट आल्सो रिड्यूज पेस्ट पॉपुलेशन रेड हेड केटेपिलर का और इसके बाद में अपन यूज कर सकते हैं इरिगेशन तो इरिगेशन इरिगेशन क्यों करनी चाहिए अपन को प्री हार्वेस्ट जो इन्फेस्टेशन ना होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए उसको रिड्यूस करने के लिए इरिगेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट सो so, अपन ने कल्चरल कंट्रोल के अंदर क्या क्या यूज़ किया अपने यूज़ किया है डीप समर फ्लोइंग अर्ली सोइंग करते हैं क्रॉपिंग यूज़ करते हैं केस्टर के साथ में ग्राउंडनट में और क्रॉप रोटेशन करते हैं सोलगम पर्मिलेट के और मेज के साथ में और इरिगेशन करते हैं टू प्रिवेंट दी प्री हार्वेस्ट इंफेस्टेशन नेक्स्ट है अपना मैकेनिकल कंट्रोल मैकेनिकल कंट्रोल के अंदर क्या करते हैं सो वो व्हाट इज़ द मैकेनिकल कंट्रोल मैकेनिकल कंट्रोल मीन्स द यूज ऑफ मैकेनिकल डिवाइसेज यूज ऑफ मैकेनिकल डिवाइसेज एंड मैनुअल फोर्स टू फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ पेस्ट पॉपुलेशन इज नॉन एज द मैकेनिकल कंट्रोल मैकेनिकल डिवाइसेस मतलब हो गया कि आप यूज़ करोगे लाइट uh, ट्रैप्स हो गई पिटफॉल ट्रैप्स हो गई एंड मैनुअल फोर्सेज के अंदर यूज़ करते हैं अपन कि जो पिकिंग पिकिंग ऑफ कैटरपिलर्स हो गया एंड कलेक्शन ऑफ एग मासेस हो गए और बीटिंग दी एडल्ट्स बीटल्स को तो ये मैनुअल uh, फोर्सेस में आती है तो so, इसमें फर्स्ट टेक्निक है अपनी इंस्टॉलमेंट ऑफ वन और टू लाइट ट्रैप्स वन और टू लाइट ट्रैप्स और बोन फायर इन एंडेमिक एरियाज जो एंडेमिक एरियाज है उनके अंदर अपन एक से दो लाइट ट्रैप्स इंस्टॉलमेंट करेंगे फॉर द कंट्रोल ऑफ रेड हेयर केटरपिलर्स के मोस्त हो यानी कि जो लाइट ट्रैप अपन इंस्टॉलमेंट करेंगे जिससे कि एडल्ट मॉथ है उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और ये नीचे जो इसमें है इसमें जो इंसेक्टिसाइड होगा जो केमिकल इस जो इसमें यानी कि गिर के वो किल हो जाएंगे इसके बाद में है इडक्शन ऑफ लाइट रेप्स लाइट रेप्स एज सुन आफ्टर द मॉनसून फॉर ट्वेंटी टू फोर्टी फाइव डेज इसमें यानी कि मानसून के आफ्टर मानसून आफ्टर मानसून अपन इरेक्ट करेंगे लाइट ट्रेव्स फोर ट्वेंटी टू फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव डेज के लिए देन इसके बाद में कलेक्टिंग एंड किलिंग द एडल्ट मॉथ आर फाउंड वेरी इफेक्टिव इट इज फाउंड वेरी इफेक्टिव इसके बाद में है अपन करेंगे एग मासेस होता है जो कि अंडर सरफेस ऑफ द लीवस होते हैं उनको अपन कलेक्शन करेंगे एंड देन डस्ट्रक्शन कर देंगे जो कि uh, इन द फील्ड ऑफ अराउंड द लाइट ट्रेव्स जो लाइट ट्रेवस होते हैं उनके एरियाज़ के जो एग मास होते हैं उनको कलेक्ट करके डस्ट्रॉय कर देंगे इसके बाद में है इंस्टॉलमेंट ऑफ़ टेन टू ट्वेल्व बर्ड पर्सेज पर हैक्टियर यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये जो बर्ड्स के लिए स्टैंड इलेक्ट करने हैं इन फील्ड के अंदर जिससे कि बर्ड वहाँ पर बैठे और वहाँ पर जो भी इंसेक्ट आ रहा है रेड कैटरपिलर जो कैटरपिलर्स हैं मॉथ्स हैं उनको फीड करेगा नेक्स्ट है अपना बायोलॉजिकल कंट्रोल सो व्हाट इज द बायोलॉजिकल कंट्रोल बायोलॉजिकल कंट्रोल वी यू स्टडी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रीडेटर पैरासिटोइड्स एंड माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म टू रिड्यूस एंड रिड्यूज रिड्य पॉपुलेशन सो बायोलॉजी कंट्रोल में अपन यूज करते हैं द स्प्रे एम सेक्टा एलब्राइगा एन पी वी इसकी एंड बी टी बेसीजें यहाँ पर डबल ए एन पी वी का मतलब है एम सेक्टा एलबिस एन पी वी एन पी वी का मतलब है न्यूक्लियर पोलिहाइड्रोसिस वायरस इसकी डोज है जो 1.5 पॉइंट फाइव इंटू टेन की पावर टेन टू पावर आई थिंक इज मिसिंग टेगा यहाँ पर पी ओ बी पर हेक्टेयर पोलियड पोलिहाइड्रोसिस ऑक्लोजन बॉडी और बी टी का यूज कर सकते हैं अपन ये किस में आएगा अपना बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर इसके बाद है अपन रिलीज करेंगे अपन ब्रेक एन हैबिटोर ब्रेक एन हैबिटोर फाइव थाउजेंड एडल्टेर ब्रेकन हैबिटोर क्या है ब्रेकन हैबिटोर एक टाइनी वेस्प है ये टाइनी वेस्ट वास्प है जो कि ब्रेकन वाडी फैमिली से बिलोंग करता है इसके यानी कि पाँच हजार एडल्ट अपन एक परेक्टेयर के अंदर यूज करते हैं आफ्टर टू टाइम्स करेंगे आफ्टर सेवन टू टेन डेज इंटरवल पर इसके बाद में है अपना कंजर्व द कंजर्व द डोमिनेंट फ्रीडेटर्स लाइक द कोक्सनेला स्पेसीज एंड मैनोकाइल सेक्समाकुलाटा एंड पैरास्टोड्स लाइक चिलोनस स्पेसीज इसमें यानी कि अपन यूज जो भी प्रीडेटर्स हैं जैसे कि को, कोक्सिनेला हो गया मैनोकाइल सेक्समाकुलाटा हो गया इनका जो डोमिनेंट प्रीडेटर है ये इनका कंजर्वेशन करेंगे एट द फील्ड लेवल पर मतलब इनका सेव करेंगे और इसके बाद में है पैरास्टोड्स जो काइलोम चिलोनस है इसका अपन कंजर्व करेंगे नेक्स्ट हैं कंजर्व बायो कंट्रोल पॉपुलेशन ऑफ स्पाइडर्स लॉन्ग हॉर्न ग्रास प्रेगमेंटि रोबर फ्लाई एंड ग्रीन लेस विंग डेंसन फ्लाई ड्रैगन फ्लाई फ्लावर बक्स सील्ड बक्स लेडी बर्ड बीटल अदर इवें जो क्रिकेट क्रिकेट्स हैं ब्रेकोट्स हैं, एन पी वी ग्रीन मस्कुलर फंगस है इन सब का अपन बाय कंट्रोल जो एजेंट्स हैं उनका अपन कंजोर करेंगे नेक्स्ट है हम यूज़ कर सकते हैं फाइव परसेंट नीम सीड कर्नल एक्सट्रेट ऑन द नीड बेसिस नीड बेसिस है अपन जो भी अपना नीम होता है उसके नीम सीड कर्नल का एक्सट्रेट का फाइव परसेंट होना चाहिए उसका स्प्रे कर सकते हैं फॉर कंट्रोल ऑफ रेड हेरी कैटरपिलर्स इसके बाद में है अपन इंटरक्रॉपिंग इंटरक्रॉपिंग करते हैं विथ पी मूंग बीन और सोयाबीन प्रोवाइड द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पाइडर यानी कि इन जो क्रॉप्स है जैसे पी पी मूंगबीन और सोयाबीन है ये अपन आ, अपने मेन क्रॉप के साथ में लगाएंगे तो ये क्या है कि बिल्डअप करेगी स्पाइडर की पॉपुलेशन को इसके बाद में है पॉपुलेशन ऑफ कॉक्सीड्स जो पॉपुलेशन काक्सीनेलिट्स की जो पॉपुलेशन है वो हायर होती है ऑन मेज़ के अंदर मेज़ मूंगबीन एंड सोयाबीन यानी कि सोया अपन यूज़ करेंगे ग्राउंडनट के साथ में मेज़ और मूंग और सोयाबीन को जिससे क्या कोक्सीट्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी इसी के साथ में अपन मेज़ और सोयाबीन को इंटरक्रॉप के रूप में यूज़ करते हैं तो क्रैसो की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी सो तो अपन ने पढ़ा कि एक तो है इसमें याद रखने के लिए है कि अपन कौन सा एन पी यूज़ करते हैं फॉर एम सेक्टर एल्ब स्ट्राइगा के लिए तो इसके लिए डबल ए एन पी वी इसके बाद में कौन सा जो ब्रेकन हैबिटेड हुआ जो कि एक्टोपेरासाइड है एक्टोपेरासड है कि सेवरल स्पीसीज ऑफ कैटरपिलर्स के लिए यूज़ किया जाता है कि कौन सा एक्टोपेरासिटोइ्स यूज़ किया जाता है तो वो है ब्रेक एन हैबिटोल इसके बाद में है इंटरक्रॉपिंग में कौन सी स्पाइडर्स को स्पाइडर्स की पॉपुलेशन इंक्रीज करने के लिए कौन से इंटर क्रॉप इंटर क्रॉपिंग के रूप में कौन सी क्रॉप्स लगाई जाती है तो मूंग मु, मूंगबीन है सोयाबीन और पीजन पी इसके साथ में कॉक्सीट्स के लिए कोक्सीनट्स की पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी ग्राउंडनट के साथ में मेज मूंगबीन और सोयाबीन लगाएंगे तब और इसके साथ में ही है क्राइस तो पड़ लगे कैसे इंक्रीज होगी पॉपुलेशन मेज और पॉपुलेश सोयाबीन को इंटर क्रॉप के रूप में यूज़ करने से होगा नाउ ना मूव ऑन दी केमिकल कंट्रोल इन केमिकल कंट्रोल इन केमिकल कंट्रोल तो इसमें क्या है कि अपन केमिकल यानी कि जो पेस्ट की पॉपुलेशन है उसको अपन रिड्यूस करने के लिए किसका यूज़ करते हैं इंसेक्टिसाइड का इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं तो वो केमिकल कंट्रोल कहलाता है तो इसमें क्या है कि अपन केमिकल की द केमिकल जो इंसेक्टिसाइड है उसकी सेफ डोजेस सेफ डोजेस मतलब रिकमेंडेड डोजेज, डोजेज हैं वो यूज करते हैं कब जब यानी कि पेस्ट पॉपुलेशन क्रॉस कर जाती है ई टी एल लेवल को इकोनॉमिक थ्रेश होल्ड लेवल को इकोनॉमिक थ्रेश होल्ड लेवल क्या होता है जब यानी कि फार्मर्स को उसके इकोनॉमिक लॉस होना स्टार्ट हो जाता है तो वो होता है इकोनॉमिक थ्रेश होल्ड लेवल कि एक जो मिनिमम लोवेस्ट पॉपुलेशन होती है पेस्ट की वो कॉज कर देती है इकोनॉमिक लॉसेज फार्मर्स को इसके बाद में डस्टिंग कर सकते हैं यहाँ पर डस्टिंग कर रहे हैं डस्टिंग किसकी कर रहे हैं अपन यहाँ पर मिथाइल पैराथियोन मिथाइल पैराथियोन है टू परसेंट ट्वेंटी फाइव टू थर्टी के जी पर हेक्टेयर के हिसाब से और फैन वेलो रेट है पॉइंट फोर परसेंट एट द रेट ऑफ फिफ्टीन टू ट्वेंटी के जी पर हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे करेंगे अपन क्यूनॉल 25 ट्वेंटी फाइव ई एट द रेट ऑफ फिफ्टीन एम इन टेन लीटर ऑफ वाटर और है नॉन 75 76 सेवेंटी सिक्स परसेंट फोर लीटर पर हेक्टेयर टू कंट्रोल द फुल ग्रोन इंसेक्ट इंसेक्ट पेस्ट अब जो भी एंडेमिक एरियाज हैं उनके अंदर अपन क्या करेंगे ऑर्गेनाइज द मास ग्राउंड स्प्रिंग जो एंडेमिक एरियाज होते हैं उनके अंदर अपन ऑर्गेनाइज करेंगे मास ग्राउंड स्प्रेइंग का ए, जब यानी कि आउटब्रेक हो जाता है यानी कि रेड हेड कैटरपिलर्स का इसके बाद में है फुल ग्रोन फुल ग्रोन जो कैटरपिलर्स होते हैं ए, उनके लिए स्प्रे करेंगे हमें प्रोफेन फॉस टेन टू ट्वेल्व एम एल इन टेन लीटर ऑफ वाटर के अंदर या इस, या कर सकते हैं अपन डाइक्लोरोस सेवन टू तो टेन एम एल इन टेन ते, लीटर ऑफ वाटर के अंदर या यूज़ कर सकते हैं अपन क्लोरोफारीफोस ट्वेंटी एम एल इन टेन लीटर ऑफ वाटर तो आपने यानी कि डस्टिंग किससे करते हैं मिथाइल पैराथोन मिथाइल पैराथियोन फैन से हो गया क्यूनॉल फोस का स्प्रे करेंगे टेन फिफ्टीन एम एल पर लीटर ऑफ वाटर तो ये कभी करते हैं जब यानी कि जो ई टी एल अपन को ईटीएल ईटीएल क्रॉस कर जाता है उसके बाद में यानी कि लॉस और बढ़ जाता है तो ये लास्ट ऑप्शन होता है अपने का क्या, क्या, क्या केमिकल कंट्रोल ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया है यहाँ पर अब इसके बाद में अपन देख देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है तो यहाँ पर अपन पहला क्वेश्चन है आपके लिए तो इसमें है स्पाइलोसोमा ओब्लिकुआ स्पाइलोसोमा ओब्लिकुआ जिसका इनकी कॉमन नेम है बिहार हेरी कैटरपिलर बिलोंग्स टू विच फैमिली एक्रेडिटी एंड ऑर्डर बिलोंग्स टू ऑर्डर लेपिडोप्टेरा तो uh, जो भी ऑल स्पीसीज है रेड हेयर कैटेबिलर की वो किससे बिलोंग करती है आर टी फैमिली से और ऑर्डर लेपिडॉप्टेरा से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड हेयर कैटेपिलर इज ए सीरियस पेस्ट सीरियस बेस्ट ऑन किस पर है पल्सेस के ऊपर इन राजस्थान राजस्थान में किस पर कौन सी क्रॉपर सीरियस बेस्ट है पल्सेस के ऊपर और इन साउथर्न पार्ट के अंदर ये सीरियस बेस्ट है ग्रानवट का इसके बाद में है थर्ड क्वेश्चन एम सेक्टा एल्बिस ट्राइगा इस प्रो डोम प्री डोमिनेंट इन साउथ इंडिया वायल एम सेक्टा मोराई डोमिनेंस नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री कि इसके अंदर कि साउथ इंडिया में कौन सा है एम सेक्टर एलब्राइगा और नॉर्थन जो पार्ट्स हैं कंट्री का उसमें कौन सा है एम सेक्टर मोराई नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फीमेल एडर्स ऑफ रेड हेड केटर्स ले अबाउटी सिक्स हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड एक्स कितने एक्स देती है 600 से 700 सौ एक्स देती है कहाँ देती है अंडर सरफेस ऑफ द लीव्स अंडर सरफेस ऑफ द लीव्स इसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन है सेवरल अफेक्टेड द सेवरली सिवियरली जो अफेक्टेड फील्ड है लुक्स एज ए ग्रेज बाई कैटल इज डैमेजिंग सिम्टम्स ऑफ किसका है अपना रेड हेरी कैटरपिलर्स तो ये सिम्टम्स किसके किसके द्वारा होते हैं ग्रेस्ड बाई कैटल ये किसके द्वारा होते हैं रेड कैटरपिलर के द्वारा नेक्स्ट है जो येलोइस येलोइ स्ट्रेक्स द एंटीरियर मार्जिन ऑफ फोर विंग एंड ए येलो स्पॉट इज फाउंड ऑन द हेड किसके के पाया जाता है यानी कि येलोइ स्ट्रेक्स होना चाहिए फोर विंग पर

डिपोजिशन ऑफ एग्स बाई रेड हेरी कैटेपिलर इन किसमें दिए जाते हैं ग्रुप्स के अंदर दिए जाते हैं रेड रेड हेरी कैटेपिलस के द्वारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लारव्यू ऑफ रेड हेरी कैटेपिलस पासिस थ्रू कितने स्टार के द्वारा पासेस होती है सेवन स्टार्स द सेवन स्टार्स होती है इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है द्यूपेशन प्यूपेशन होती है टैक पैलेस इन दर्थन सोयल किसमें होती है जो आ, कोकुन बनाता है अर्थन अर्थन सोइल्स का उसके अंदर मोस्ट सोइल के अंदर इंटर होके आ, अर्थन कोक सोइल कोकुन के अंदर प्यूप, प्यूपा प्यूपेशन करता है इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन डीप समर फ्लोइंग इज ए क्या है एक कल्चरल प्रैक्टिस दैट एक्सपोज दी किसको एक्सपोज करती है प्यूपा तो प्यूपा को एक्सपोज करती है प्यूपा ऑफ रेड हेरी केटपिलर नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी क्रॉप है जो कि इंटर क्रॉप में यूज करते हैं ग्राउंडनट के साथ में फॉर रेड हेयर मैनेजमेंट के लिए तो वो कौन सी है कैस्टर क्रॉप कैस्टर है और विच स्पेसिफिक एन पी वी इज यूज फॉर कंट्रोल ऑफ रेड हेरी तो कौन सा स्पेसिफिक एन पी वी है डबल ए एन पी वी एम सेक्ट्रा स्ट्राइगा एन पी वी नेक्स्ट क्वेश्चन है द विच एक्टोपेरास्टोट रिलीज ऑफ रिलीज टू कंट्रोल रेड हेरीकेटर एक्टोपेरासाइड कौन सा यूज किया जाता है रेड हेरीपिल रेड हेरीकेटर के कंट्रोल के लिए वो है ब्रेकन हैविटोल अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अप्लाई सेफ केमिकल इंसेक्टिसाइड एट रिकमेंडेड डोजेज ओनली इफ द इंसेक्ट पॉपुलेशन क्रॉस कौन सा लेवल होता है वो ई टी एल लेवल ई टी एल लेवल है उसको क्रॉस करने के बाद में ही इंसेक्टिसाइड को यूज़ करना चाहिए सो so, आज के इस चैप्टर में इतना काफ़ी है सो so, ये इसमें अपन ने कवर किया है मैनेजमेंट ऑफ रेड हेरी कैटरपिलर्स। इसके पहले वाले वीडियो में अपन ने देखा था आइडेंटिफिकेशन द आइडेंटिफिकेशन और लाइफ साइकिल हो गई उसकी रेड हेयर कैटापिलर्स का उसका होस्ट रेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो आज के लिए इतना ही ओके थैंक यू